वेलकम फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं डाबर अमृतारिस सिरप के बारे में। डाबर अमृतारिस सिरप की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, जैसे कि इसके यूज़, डोज, बेनिफिट और साइड इफ़ेक्ट के बारे में। अगर आपको बुखार, मलेरिया बुखार, टाइफाइड बुखार, इम्यूनिटी वीक जैसी कोई भी समस्या है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। डाबर अमृतारिस सिरप एक आयुर्वेदिक मेडिसन है जिसे मुख्य रूप से गिलोय, बेल, कटकरी, सालपर्श, गोचुर, गुड़, जीरा, अदरक, कुटकी, अतीस, काली मिर्च, पीपली जैसी विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों से मिलकर बनाया जाता है और इसे डाबर कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। आइए अब जान लेते हैं इस सिरप के उपयोग के बारे में। इस सिरप का उपयोग मुख्य रूप से सभी प्रकार के बुखार और विभिन्न प्रकार के संक्रमण के इलाज के लिए इसका यूज किया जाता है, जैसे कि बुखार, मलेरिया बुखार, टाइफाइड बुखार, क्रोनिक बुखार, इम्यूनिटी वीक, कमजोरी, सर्दी खांसी, लीवर संबंधी समस्याएं, भूख न लगना जैसी विभिन्न प्रकार की समस्याओं के इलाज के लिए इस सिरप का यूज किया जाता है। अगर आपको बुखार, टाइफाइड, मलेरिया जैसी कोई भी समस्या है तो आप इस सिरप का यूज कर सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं इस सिरप के कुछ नॉर्मल से साइड इफ़ेक्ट के बारे में। वैसे तो इस सिरप के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते क्योंकि यह एक आयुर्वेदिक मेडिसन है। आइए अब जान लेते हैं इस सिरप की डोज के बारे में। इस सिरप की डोज वैसे आप अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार लें क्योंकि इसकी डोज आयु, लिंग और समस्या के हिसाब से दी जाती है। जैसे कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए 10 से 15 ml सुबह शाम खाना खाने के बाद यूज कर सकता है। आइए अब जान लेते हैं इस सिरप की MRP के बारे में। इस सिरप की MRP है 450 ml सिरप आपको 165 रुपये में हर मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। आशा करता हूँ आपको डाबर अमृतारिस सिरप की संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। मेडिसिन नॉलेज से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।